नमस्कार, अडोर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का दीक्षित यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब में जो भी दीक्षित सर वीडियोस डालते हैं, उन वीडियोस के नीचे आप सभी लोग अलग अलग क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों के जवाब आज हम दीक्षित सर से लेंगे। नमस्कार दीक्षित सर। संजय नमस्कार, और जितने भी मेंबर्स ने हमको सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अरुण ठाकुर, इन्होंने पूछा है, सर मेरा 3 महीने में HbA1c 6.7 से 5.2, फास्टिंग इंसुलिन 7.17 से 5.22, वेट उनका 68 से 62 केजी हो गया है, कमर का घेरा भी 90 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर हुआ है, मैंने मीठा और सभी फल 3 महीने से बंद किए हैं, तो आगे का डाइट क्या होगा? कुछ बदल करना है या वही करना है? कृपया मार्गदर्शन करें। संजय जी, अरुण ठाकुर जी का तो हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको कहना चाहिए। उन्होंने तो एक सक्सेस स्टोरी दी है। उनका मैं 23 जुलाई को शुरू किया और 24 अक्टूबर, 3 महीने में क्या क्या उनको चेंजेस देखने को मिले। इंसुलिन 7.17 था तो 5.22 हो गया, वजन कम हुआ, HbA1c डायबिटीज से नॉन डायबिटीज की रेंज में आ गया, वजन 6 किलो कम हुआ, पेट कम हुआ, ब्लड शुगर जो था उनका, वो फास्टिंग 134 था वो 94 पे आ गया, यानी सभी अच्छी बातें हो गई है। अब इनका सवाल जो है कि जो मुझे पाना था मैंने पा लिया, वैसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पूछना है कि जिसके लिए मैंने ये किया वो तो हो गया, मैं डायबिटिक था, नॉन डायबिटिक हो गया, वजन कम हो गया, सब हो गया, क्या अब भी मैंने ये करना है? तो देखिए अरुण जी, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसको हम जिंदगी भर करते हैं। तो जिंदगी भर करने के लिए है आपको, और ये डर मत रखिए कि मेरा वजन अभी 62 केजी है तो और करूंगा 3 महीने तो वो 50 हो जाएगा, और कम हो जाएगा, मैं गायब हो जाऊंगा एक दिन, ऐसे नहीं होगा। आप हेल्दी लेवल पे आके रुक जाएंगे। आपके स्टोरी में से मुझे ये नहीं पता चला कि आप मेडिसिन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, मुझे लग रहा है कि शायद आप मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी में मुझे काफी इंटरेस्ट है कि 3 महीने के अंदर कोई व्यक्ति डायबिटीज से नॉन डायबिटिक बनता है तो काफी खुशी की बात है, तो ये लोगों को जरूर मोटिवेट करेगी। तो जो नंबर आखिर में दिया है वीडियो के संजय जी का, उसके ऊपर जरूर मैसेज कीजिए, और आपकी सक्सेस स्टोरी हम पूरे कैंपेन में पब्लिश करेंगे, लाखों लोगों की तरफ वो स्टोरी जाएगी, वो भी मोटिवेट हो जाएंगे। सर अगला सवाल राहुल, इन्होंने पूछा है, लोगों को चाय बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने पूछा है चाय ले सकते हैं क्या, क्या बताएंगे? फिर एक सवाल जैसे लोग पूछते हैं कि क्या हम ये ले सकते हैं, क्या हम वो ले सकते हैं, दो कानों के बीच में राहुल प्रयागे ने पूछा है कि क्या चाय ले सकते हैं। अब चाय तो ले सकते हैं, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो ब्लैक टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो विदाउट एनी फ्लेवर, 25% दूध वाली पतली चाय भी ले सकते हो, उसमें गुड़ शक्कर शहद नहीं डालना है या शुगर फ्री नहीं डालना है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो तो सिर्फ ब्लैक टी आप या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी ले सकते हो, मतलब दूध नहीं, गुड़ शक्कर शहद शुगर फ्री कुछ भी नहीं, तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। सर कमलेश राठौड़, इन्होंने पूछा है, मेरे पैरों में जलन होती है और पैर गर्म होते हैं, तो मैं क्या करूं? ये जो सवाल है कि बहुत लोगों का सवाल होता है, जैसे कमलेश ने पूछा है कि मेरे पैर गर्म होते हैं और पैरों में जलन होती है, मैं क्या करूं? अब पैरों में जलन होने के अनेक कारण हो सकते हैं। जनरली बोलते हैं कि न्यूरोपैथी जैसा कुछ, अगर नर्व्स जो है वो उसके ऊपर असर हो गया, डायबिटीज में हो सकता है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियां जिसमें ये हो सकता है। तो अगर ये हो रहा है और अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या आपका हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, तो पहले तो आपको उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बीमारी का जड़ वहां पर है, तो पहले उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये प्रॉब्लम, अगर ये डैमेज परमानेंट हुआ है तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन नहीं हुआ है तो उसको रिवर्ट भी किया जा सकता है। और बहुत बार जब हम विटामिन B12 देते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, उससे भी काफी फायदा लोगों को होता है। तो मुझे लगता है कि आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे आप जरूर सलाह मशवरा कीजिए, या फिर अगर आप ऐसे शहर में जहाँ पे हमारे डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है तो जरूर उस सेंटर में आइए, हमारे डॉक्टर भी आपको गाइडेंस करेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसे ही
आपको व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सलाह देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। ऋषिकेश, इन्होंने पूछा है, मैं तेलंगाना में रहता हूँ, मुझे बचपन से नींद में लार निगलने की आदत है, तो इससे भी इंसुलिन सिक्रेशन होता है क्या? ये ऋषिकेश का भी काफी गजब का सवाल है। उनके कहते हैं नींद में उधर जो सलाइवा होता है मुंह में आता है लार, वो निगलने की आदत है। तो ऋषिकेश, ये आदत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम में से सब लोग, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा तो निर्माण होता ही रहता है और हम उसको निगलते रहते हैं। तो इससे इंसुलिन निर्माण होने का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर को यह मालूम है कि मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खाते हैं बाहर से। तो इसलिए एक तो इसको इंसुलिन निर्माण होता है या नहीं इसको टेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यह कोई खाने की चीज नहीं है या फिर हम खाने जैसा उसको लेते नहीं है बाहर से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इंसुलिन निर्माण होना चाहिए। तो आप इससे डरिए मत और लाइफस्टाइल जरूर फॉलो कीजिए, आपको इसका फायदा जरूर होगा। संजय जी, हम लोगों से विनती करेंगे कि आपके जो भी सवाल है आप जरूर इस YouTube चैनल पर भेजिए, जो मैसेज बॉक्स है उसमें डालिए। हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सवाल चाहे छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर उसकी वजह से अगर वो आप नहीं जानते इसलिए आप वो डाइट प्लान करने में झिझक रहे, तो मेरे जवाब से जरूर आप डाइट प्लान फॉलो करने की राह में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और यही मेरा काम है, यही इस अभियान का काम है कि आपको नॉलेज देकर आपकी पावर बढ़ाए, आपको एम्पावर करे, ताकि आप डायबिटीज और मोटापा दोनों से मुक्त हो सको। ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र, दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाए। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।